आज हम आपको बताएंगे कि हुंडई की ऐसी कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो कि मार्केट में बहुत बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी। तो जानने के लिए बने रहिए हमारी इस वीडियो के आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। हुंडई सेंटाफी को लॉन्च करा गया था फॉर्चुनर और एंडेवर को टक्कर देने के लिए, पर इस कार को उन दोनों गाड़ियों के काबिल भी नहीं माना गया। ये कार एक 7-सीटर एसयूवी कार थी जिसमें कि बहुत सारे फीचर्स मिलते थे। इस कार का सेकंड जनरेशन मॉडल लॉन्च हुआ था इंडिया में। सेंटाफी की सेल्स बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी। फिर हुंडई ने इसका न्यू जनरेशन मॉडल लॉन्च किया। वो मॉडल कुछ दिन तक बिका, लेकिन बाद में फिर उसका भी हाल बेहाल हो गया। हुंडई टुसोन को लॉन्च करा गया था 2004 में। ये कार पूरी दुनिया में बहुत बिकती थी और यूएसए में तो सबसे ज़्यादा, पर इंडिया में ये कार फेल हो गई थी। ये कार एक मिड साइज एसयूवी कार है। ये कार बंद हो गई इंडिया में। अब कुछ साल पहले से इंडिया में एसयूवी का बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है, तो हुंडई ने टुसोन की न्यू जनरेशन मॉडल को लॉन्च किया और वो मॉडल भी फ्लॉप साबित हुआ, क्योंकि इससे सस्ते प्राइस में कंपास जैसी बेहतरीन एसयूवी गाड़ी मिल जाती है। हुंडई टेरेकैन पहली एसयूवी कार थी कोरियन कंपनी की ओर से, यानी कि हुंडई की ओर से इंडिया में। ये कार बड़ी महंगी और एसयूवी कार थी पजेरो से भी। ये कार तो अच्छी थी, पर इसमें बहुत सारी कमियां थी और यही कारण था कि ये इंडिया में क्या पूरी दुनिया में ही फ्लॉप साबित हुई। हुंडई सोनाटा पहली लग्जरी कार थी हुंडई की। कार का फोर्थ जनरेशन मॉडल लॉन्च हुआ था इंडिया में। सोनाटा का जब फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ तो तब हुंडई पर एक आरोप लगा कि उन्होंने जैगवार एस टाइप का लुक को कॉपी किया है। ये बहुत अच्छी और बेहतरीन कार थी और हुंडई की अच्छी खासी गाड़ियां भी बिक रही थी, पर जैसे जैसे टाइम गुजरा कार की कीमत बढ़ती रही और इससे सस्ते प्राइस में इससे अच्छी गाड़ियां मिलने लगी, तो ये कार एकदम फ्लॉप साबित हो गई। फिर इसकी सेल बिल्कुल ना के बराबर हो गई। हुंडई गेट्स इंडिया में पहली प्रीमियम एसयूवी कार थी। ये कार उस वक्त i20 जैसी थी जब मार्केट में बड़ी हैचबैक गाड़ियों को कोई खरीदता नहीं था, और यही कारण था गेट्स को किसी ने नहीं खरीदा। इसका कैबिन बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल कार थी और लेगरूम बहुत अच्छा था। 2005 तक गेट्स की सेल ठीक ठाक चल रही थी, पर तब स्विफ्ट को लॉन्च कर दिया गया मारुति की ओर से और फिर गेट्स की हालत खस्ता हो गई। उसको बंद करना पड़ गया क्योंकि स्विफ्ट को ज़्यादा पसंद किया गया, और जैसा कि आपको पता है स्विफ्ट को अब तक लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये थी 5 वो गाड़ियाँ हुंडई की ओर से जो बहुत बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। आप हमें बता सकते हैं कि आपके हिसाब से हुंडई की और कौन सी कार फ्लॉप साबित होनी चाहिए।